तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर इस वक्त जब सिफारिश डिपार्टमेंट गुनागू मसाइल में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर में, तो उन्होंने लेकर एक तो यहाँ पर ये क्लब बनाया। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, तो मैं हम आज इसमें बैठे हुए हैं उसकी बात कर। दूसरा ये है कि सियासत के बारे में तो बहुत बातें हो भी चुकी हैं, तो बेहतरीन लोग वो भी होते हैं कि जो अच्छे आदमी को याद करते हैं और उसके लिए कुछ ये जिस तरह ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किए उन्होंने किए, तो मेरी तरफ से वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मसाइल हैं। तो बातें तो सियासत के बारे में बोलते तो हो चुकी हैं, और स्पेशली शजीर साहब, शुएब साहब, शेख अमजद साहब, शेख गुलाम साहब जो भी इधर बैठे हुए हैं, तो उन जैसे जो ऑरेटर्स हैं और जिस तरह वो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की बातें की हैं, तो मज़ीद उसमें ऐड तो नहीं कर सकता। तो ये तो वैसे ही सबके नज़र आ रहा है कि जिस तरह हम आज लोग कितने दूर से आकर इस महफिल को हमने अरेंज किया है, और तो फिर ये हमारी यहाँ पर बैठना ही एक बहुत बड़ी एट्रीब्यूट्स हैं सियासत के लिए। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जाकर दे। तो शबीर साहब ने बात की थी इससे पहले, बड़ी बड़े बेहतरीन वो ऑरेटर। वैसे मैं आपको बता दूं जो लोग हैं कि कभी कभी इनको बुलाया करें, इनके साथ बैठा करें। आप सियासत के बाद अगर किसी से लर्न करेंगे तो शबीर साहब बहुत शानदार हो, तो वो बड़ी इंस्टीट्यूशन मेमोरी रखते हैं। तो जमाना वो था जिसमें आपने मेंदू और इसका गाठे की बात की है, तो मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि गाठले और मंदू जो हैं वो टोटल जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं 1,52,000 एकड़ उसके अंदर बैठे थे, नंबर वन। नंबर टू, ये वो जमाना था कि जब वो 14-14 दिन या एक एक हफ्ता फील्ड में टूर भी कर सकते थे, जबकि आजकल जो इवन जो डीएफओ का गान है उससे ज़्यादा एरिया उसके पास है, और बाकी ये जितनी वेस्ट लैंड और प्राइवेट लैंड थे उन्होंने अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं दिया था। तो आज लोगों पर ज़्यादा बोझ है और वो ज़्यादा आसान तरीके से कर रहे हैं, और जो जंगल उन्होंने छोड़े थे, तो अभी हमने रिसेंटली मुख्तलिफ चीज़ों से हमने डिमार्केशन कराई है उस वक्त के लिए, तो आपको पूरी टोटल जो उसमें उस रिसोर्स में फ़र्क नज़र आया है, तो वो किसी परसेंटेज में नहीं है, स्टिल इन लोगों ने उसको इंटेक्ट करके। तो शाह साहब अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, मैं उनको पीर समझता था, और मैं 20-20 हज़ार दफा तो मुंह भर भी कहता था कि वाह वाह नहीं, आप मेरे पीर हैं। और उनके साथ में इसी तरह रहा कि जिस तरह आम लोग हम पीरों के साथ होते हैं, यानी कि उनकी तालीमात पर तो ना उस पर अमल करो इतना ज़्यादा, ना उसको याद रखो, बस पीर को पकड़ लो तो उसकी खूब इज्जत करो। तो जब मैंने शादी की इमीडिएटली उसके बाद मैंने अपनी मिसेस को कहा कि मेरे एक पीर है, मैं उनके सलाम के लिए जाऊँगा, तुम मेरे साथ जाओ। ये वायद है कि जिनको मैं इनके घर गया इनको सलाम करने के लिए, जब भी ये मुझे कहीं मिले इनके आगे इनके जूते ठीक करना, जिस तरह अदीन साहब वो तो बड़ा कहने के वो खुद करते थे, इनके जूते ठीक करना, इनके हाथ में कोई बैग उठाना, इनको अच्छी जगह पर पटाना, ये हमेशा मैंने लिए अपने लिए काबिले फख्र समझे। रिजवान आप थे मेरे ख्याल है या वो दूसरे थे जैसे विशाल में थे, तो हमेशा के लिए ये मैंने ट्राई ही की है कि उनको बेहतरीन किस्म का उनको प्रोटोकॉल दो, जिस तरह हमारे लोग पीरों के साथ करते हैं और वो मेरे पीर। तो रह गई ये बात कि जिस वक्त छोटे छोटे हमारे जलजले होते रहे मुख्तलिफ किस्म की, तो उन चीज़ों में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब 2005 का एक बिग अर्थक्वेक आ गया, तो फौरन नेशनल लेवल पर भी एक बड़ी बंदी क्या कहते हैं वो एक फोरम बन गया, उसको क्या नाम है उसका जो है रेस्क्यू वगैरह, ये स्टेब्लिश हो गई। तो हम भी बहुत से लोग बड़े अच्छे अच्छे हमारे वेटरन लोग थे, अल्लाह उनको बख्शे, वो फोत हुए, तो हमने कोई इस किस्म का ताज़ी की रेफरेंस न कर सके। तो ये 2005 का जो जल्द जब आया तो फिर आज हम बैठ गए, तो मेरा ख्याल है ये रवायत
इंशाल्लाह ताला चलेगी, तो शाह साहब की वफात ने एक हमें बैच मार दे। तो मैं और उनकी बात नहीं करता, सिर्फ अपने चंद एक पर्सनल एक्सपीरियंस कर बयान करता हूँ। तो वैसे भी मर्द बैठे हुए हैं, तो कोई वल्गर बात कर दी तो खबर ना हो। मैं इस तरह हुआ कि हम लोगों को, ये जावेद अक्षर साहब भी थे, हम लोगों को किसी बात पर चार्जशीट कर दिया गया था। एक इंक्वायरी, एक कमेटी बनाई हुई थी वाटरशेड में, ये लोग जब तक नहीं आएंगे, कुछ सुपरटेंडेंट हजरात थे, ये लोग जब तक नहीं आएंगे तो आप कोई किसी से भी डिस्पर्स नहीं कर सकते। यार अहमद खान हमारे चीफ जनरल, तो हमने उसको नहीं माना, तो हमने अपना काम कर दिया। तो पीछे से उसने मारी हमारी चार्जशीटें, वही चीजें बन गई। तो मैं और जावेद साहब हम थे बंगाल, उसमें थाईलैंड में लंबी ट्रेनिंग पर गए हुए। बाद में पता चला कि उन लोगों ने वो उसको प्रोसेस कंप्लीट इसलिए नहीं कर सके कि कुछ दो बाहर हों, तो फिर आप जब तक उनको न करें, उनको सुने नहीं, तो हो नहीं सकता। तो हमें किसी ने बताया भी नहीं। तो मैं जब वापस आया आया तो साबर शाह साहब आए तो नहीं है, साबर शाह साहब, अच्छा वो पिए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बताया, उधर बताया नहीं है, आप परेशान हो के आप लोगों को सर्वस से निकाल रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते आपने ये किए। कहते मैंने कहा यार इतना जुर्म तो नहीं था। उसने कहा जुर्म नहीं है, ये वैसी दहशत पैदा करने के लिए। उस जमाने में गप होती थी रजब सर को निकालने के लिए। मुझे जलालुद्दीन खान ने भी ये कहा था कि जो भी मसाइल हो तो फिर वो रजब सर पर डाल दिए और काम खत्म कर दिए। ये एक कैडर रखा हुआ था, जिस तरह हाल चलाते हुए चलाया, वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा चलाया तो उस पर चलाया तो वो खत्म, अपना काम निकाल दिया। तो मैं डर गया, मैंने कहा कि वाकई ये हो गया। तो उन दिनों में मेरी नई नई एंगेजमेंट हुई थी, तो मैंने कहा यार वो एक तो खानदान से पाए गए, तो वही लोग अभी इसके ही हुए थे, अभी ये आदमी जो है तो इसको सर्वस से निकाल दिए। तो उस दिनों में, उन दिनों में हम चार्जशीटों को बड़ी चीज भी समझते थे। ये अलग बात है कि आजकल मेरा ख्याल है ये भी इसी तरह चली गई है। तो मेरे उसको, मैं उसी वक्त थी आजाद, ये हमारा सोशल पॉलिसी का प्रोजेक्ट चल रहा था, डॉक्टर कायर और दूसरे का पता नहीं नाम, तो उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट की कि सोशल ऑर्गेनाइजर पता कम्युनिटी डेवलपमेंट। मैंने उसमें अप्लाई किया था। मैंने कहा जितने अरसे तक अगर नौकरी से बाहर रहा तो मुझे नौकरी मिली। तो अनफॉर्चुनेटली वो उसमें मेरे कुछ ज्यादा नंबर हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो लोग उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। चेक किया तो फिर हालात फिर खुद समझ गया और मुझे ही बताया कि कोई खास बात तो नहीं है। मैं पारस में रजिस्टर लग गया, तो वहां पर शाहदुल्ला खान, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस थे, मेरे हमारे कंजर्वेटर थे, वो मुझे आगे कहने लगे अच्छा तो तुम फिशर के नौकर बन रहे हो, पायर के नौकर बन रहे हो, तुम ये इसको छोड़ रहे हो। मैं तो न गया, लेकिन उन्होंने फिर मुझे उस वक्त मेरी 3,500 की तनख्वाह थी, लेकिन उन्होंने लास्ट जो उन्होंने मुझे लेटर लिखा उसमें 20,000 उन्होंने मुझे ऑफर की, लेकिन मैं ना जा सका। तो फिर उसने अरशद अली खान साहब कह रहे थे कि वो लोग कहते हैं कि जाकर इसके जंगल देखो, ये कहीं दरख्त तो नहीं बेच रहा कि ये इतनी बड़ी हमें ऑफर कर रहे हैं, तो नहीं है। एनी आओ फिर बाद में उन लोगों ने मुझे ट्रांसफर करवा ही दिया अपने पास, तो मैं उसको जाए नहीं। तो इमीडिएटली मेरी शादी के इमीडिएटली 2 दिन बाद वो मुझे कॉल आ गई कि तुम वहां पर पहुंचो। तो मुझे सब कुछ आ गया, तो मैंने किसी जगह फोन किया कि मैं ट्रांसफर कैसे कर रहा हूँ। तो ये ऊपर नीचे हुई तो बात एनी आओ में आ गया। तीसरे दिन अली शाह साहब यहाँ पर DFO थे, तो मैंने मुझे कहने लगा कि क्या बात है। मैंने कहा कि जनाब बात ये कि मुझे देखें, मैंने शादी की अभी अभी आया, वो ये भी मेरे पीछे पड़े हैं कि तुम आओ ही आओ, ये कैसी बात है। उन्होंने कहा पहली बात मुझे ये बताओ, तुम आए तुम अगर गए क्या थे, इसमें अप्लाई क्यों किया। मैंने कहा अप्लाई मैंने इस वजह से किया कि मुझे सर्विस से निकाल दे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें सर्विस से निकाल, तुमको सर्विस पे करने वाले हैं कि मैं रानना चाहते हैं। दिस वॉज इज सेट देन ही टोल्ड मी इधर आए। मैंने कहा जी अभी 3 दिन हुए मेरी ये मेरी शादी, और मुझे कहते हैं कि तुम इधर, मुझे कहते हैं इधर बैठो, अराइवल बोर्ड दो और जाओ, जब थके तो वापस आ जाओ। तो फिर उसके बाद बिना एक गुजरा तो देने के, ये मैं टोटल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ लोगों की बात। टूर बन रहा था ईरान का,
मेरा दिल भी चाह रहा कि मैं भी जा चला जाऊं, जा भी मिलता हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो मैं शाह साहब के पास आया कि मेरी भी उधर ईरान में अच्छा अच्छा टूर बन रहा है, मेरे भाई के मेरे साथ करके जाना चाह रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी को मत बताओ एनजीओ को, और मैं फर्स्ट क्लास गया, मैं बेहतरीन टूर करके वापस आ गया। तो मेरी जिंदगी में दो आदमियों की छाप रही है जो मैं आई डोंट नो को फॉलो कर सकूं कि नहीं, एक अलीशा साहब, एक गुलाम साहब, कि मैं इनके साथ रहा हूं कि बोल्डनेस एंड सेंसिटिविटी एंड कमिटमेंट इन योर पार्ट्स। गुलाम साहब से भी अगर आप बड़ी मुश्किल से कोई वादा कराते थे, अगर वो वादा कर लेता तो उसके साथ करो। शाह साहब से मैंने सेंसिटिविटी और बोल्डनेस देखी है। अल्लाह उनको अपने जवारे रफ़त पे जगह दे, अल्लाह ताला उनके गुनाह को माफ़ करे। वो इंसान थे, इंसान से खताएं होती है, यही इंसान की है। हम उनको फरिश्ता नहीं बना सकते, वो इस वक्त हमारी दुआएं उनको फायदा दे सकती है। हम लोग गवाही दे रहे हैं कि वो बेहतरीन आदमी थे। अल्लाह ताला सतारा लही हुए, वो हमारी दुआई को मानेगा, और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह देगा। और सब लोग जो हैं उनकी वो चीज़ें को याद रखें जो उन्होंने कंडक्ट की है, जो उन्होंने बताई है। जो उनके कलम था, बड़ी जबरदस्त इंस्टीट्यूशन मेमोरी थी इनके पास, और हर चीज को रिलेट करते थे पीछे के साथ। शबीर साहब भी करते हैं ऐसे, ये भी शबीर साहब होते हैं, लेकिन आप मेहरबानी करें सम टाइम, क्योंकि कुछ लोगों पर कर्ज होते हैं डिपार्टमेंट। आप जितनी कंसल्टेंसीज कर रहे हैं तो आप हमारे डिपार्टमेंट से होकर गए। तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज ये मुख्तलिफ मौकों पर शबीर साहब गिरे, मैं उनका नाम बार बार इसलिए लाऊंगा, अभिशाह सब नहीं है दुनिया में। मैंने जब कभी भी कहीं पर भी मैंने मुझे ज़रूरत महसूस हुई है तो मैंने निशा साहब को ज़रूर कंसल्ट किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो घर में है या किसी वक्त में बहुत ज़्यादा खुश आदमी थे, मैं भी उनके दिनों में कितने गम होंगे, लेकिन उन्होंने हमें हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ, इंतहाई क्या कहते हैं मेहरबानी के साथ, और जिस तरह शहीदों के बारे में सुनते हैं इस तरह क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो भी मौजूद थी। अल्लाह उनको बख्शे, और आप हम सब पर अल्लाह ताला रहम करे। थैंक यू।